पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं स्नेह गुप्ता। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट शारु साहनी जी हैं, जो पिछले 13 वर्षों से ध्यान के साथ जुड़ी हुई हैं और ध्यान प्रचार भी कर रही हैं। उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बहुत स्टडीज की और आज वो करवाती भी हैं। वो एंजल्स के साथ कनेक्ट भी रहती हैं और हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द अवेकनिंग, माय स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, इंग्लिश में उन्होंने लिखा है। और इसमें उन्होंने ध्यान के अपने सारे अनुभव, अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है इमोशनल ईटिंग। हाँ दोस्तों, इमोशनल ईटिंग जो हमने कभी नहीं सुना, ना जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान है। हम हमेशा शारीरिक भूख या हम हमेशा फिजिकल ईटिंग के बारे में जानते हैं, जो हम खाते पीते हैं, लेकिन आज हम शारु जी से जानेंगे इमोशनल ईटिंग के बारे में। तो वेलकम शारु जी, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पीएमसी हिंदी टीम का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शारु जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, शारु जी आपने इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है इमोशनल ईटिंग, तो पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये होता क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। जी, इमोशनल ईटिंग स्नेहा जी एक्चुअली क्या है कि ये शुरू से ही हमारी जिंदगियों में रहा है, लेकिन हमने कभी उसको समझा नहीं और ना ही हमने कभी इसके बारे में सोचा, क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि भावनाएं जो हैं हमको कुछ खाने पे मजबूर कर सकती हैं। तो इस वजह से आज ये जो विषय है जो मैंने चुना है इमोशनल ईटिंग, ताकि लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएं कि अगर वो इमोशनल ईटिंग करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि यूजुअली स्नेहा जी आपने देखा होगा, लोग कहते हैं हम डाइटिंग करते हैं लेकिन हमारा वेट लूज़ नहीं होता, हम वज़न नहीं घटा पाते, तो इमोशनल ईटिंग भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से वो अपना वज़न जो है नहीं घटा पाते। आपके इस बात से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी याद आई। कई बार मैंने सुना है कि कई लोग बहुत गुस्से में या कई बार उनको बहुत कुछ और होता है, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो मुझे लगता है कि आपका इमोशनल ईटिंग से ही कनेक्ट है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली स्नेहा जी, बिल्कुल ही उसी से कनेक्टेड है। तो शारु जी, आज हमारा जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो इमोशनल ईटिंग का विषय है इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, हमने आज ही इसके बारे में ज़्यादा सुना। हम कनेक्ट तो हमेशा रहे हैं लेकिन जाने अनजाने हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ी जागरूकता हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को पता चले। तो स्नेहा जी, तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल ईटिंग होती क्या है। यस यस, क्योंकि इमोशनल ईटिंग जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसको डील नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो स्नेहा जी, क्या होता है, जैसे अभी आपने बताया कि एंगर इश्यूज होते हैं, लोग खाने लग जाते हैं, तो इमोशनल ईटिंग क्या होती है, जब हमारी भावनाएं हमारे अंदर स्टफ्ड होती हैं कहीं ना कहीं पे, चाइल्डहुड से, बचपन से जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एक रोष, एक एंगर, डिप्रेशन, गिल्ट, शेम, रिग्रेट, ये सब जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हो जाता है ना कहीं अंदर डालने लगते हैं हम, तब क्या होता है कि एक वॉइड बनने लगता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है इमोशंस को आउटलेट का, कोई जरिया नहीं है। अब इमोशंस क्या करते हैं, चीख रहे हैं कि भाई हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो, अब वो बाहर नहीं निकल रहा है। अब क्या होता है, खाना एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा खाते हैं। बिल्कुल सही। तो अब क्या है कि खाने को देख के हमें ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे लिए कंफर्ट फूड है, ये हमें उस पेन, सफरिंग और उन परेशानियों से निजात दिला देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इमोशंस तो वहीं हैं, वो तो कहीं एड्रेस नहीं हो रहे हैं, ना ही आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ना उनको हम किसी भी तरीके से हील कर रहे हैं, वो वही है।
तो थोड़े टाइम के बाद उस समय तो आप खा के चीज़ें एकदम शांत हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्लेजर महसूस होगा, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो फिर से आपके पास दोबारा लौट आती हैं। तो इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं, जब आप खाने को, किसी भी आहार को, खाद्य पदार्थ को, भोजन को एक कंफर्ट का माध्यम लेकर, अपने पेन से जो कंफर्ट का माध्यम, टेंशन से कंफर्ट के माध्यम को लेकर जब आप खाना खाने लगते हो बेहिसाब, उसे इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ये सिर्फ मोमेंट के लिए हुआ आपका, क्योंकि आपने इसे रूट कॉज से तो दूर ही नहीं किया। आपका रीज़न क्या था, उस इमोशन के पीछे कारण क्या था, वो कारण आपने जाना नहीं और आपने उसको ईटिंग के ऊपर निकाला, तो वो कैसे दूर हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, कितना अच्छे तरीके से हमें समझ में आया कि इमोशनल ईटिंग होती क्या है। तो शाहरुख जी, जैसे आपने बताया कि ईटिंग हम सिर्फ इमोशंस को लेकर ज़्यादा करते हैं, लेकिन कई बार हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, वहाँ पर भी खाते हैं, तो क्या वो भी हमारा इमोशनल ईटिंग के अंतर्गत आता है? देखिए, जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो उस समय आप कितना फ्रीक्वेंटली रेस्टोरेंट में खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप महीने के 30 दिन में से 25 दिन आप बाहर खा रहे हैं और अनहेल्दी फूड, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा इमोशनल ईटिंग हमेशा अनहेल्दी फूड के पीछे भागती है, वो कभी भी हेल्दी फूड के पीछे नहीं भागेगी। क्योंकि जिसमें चाहे आप बर्गर्स हो जाएं, पिज्ज़ाज हो जाएं, जिसमें फ्रेंच फ्राइज हो जाएं, जिसमें किसी भी तरीके का मैदे की चीज़, शुगरी आइटम्स हो जाएं, उसके पीछे कुछ भी, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में 30 दिन में से 25 दिन है जो आप बाहर खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खा रहे हैं, स्पेशली एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड खा रहे हैं, तो वो इमोशनल ईटिंग में आता है। लेकिन अगर आप इक्का दुक्का बाहर चले गए, जैसे जाते ही हैं फैमिली के साथ बाहर चले गए, गेट टुगेदर के लिए जाते हैं, हैप्पीनेस के लिए जाते हैं, कोई सेलिब्रेशन के लिए भी जाते हैं, बिल्कुल टेस्ट पर्स को चेंज करने के लिए जाते हैं, हाँ। तो उसको हम इमोशनल ईटिंग की कैटेगरी में नहीं डालते। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी इमोशनल ईटिंग होती है हमारी। तो शाहरुख जी, अगर मैं अब आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्या ये अलग अलग होती है अलग अलग लोगों में, डिफरेंट टाइप्स के पीपल में डिफरेंट होती है ये? जी बिल्कुल स्नेहा, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के रूप में आती है, क्योंकि हर एक इंसान के इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। किसी के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, किसी के अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, किसी के अंदर सैडनेस होता है, डिप्रेशन होता है, सो इट ऑल डिपेंड्स। तो उसके हिसाब से कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें हम इमोशनल ईटर्स को लेकर आते हैं। तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है बिंज ईटर्स की। बिंज ईटर्स जी, अब वो बिंज ईटर्स क्या होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग माइंडलेसली खाते हैं, सामने चीज़ पड़ी है और वो खाते जाएंगे, मतलब उनको ये काउंट नहीं रहता है कि मैं 4 बिस्किट्स खा ली हूँ या मैंने 10 बिस्किट्स खत्म कर दिए। बहुत होता है, मैंने कई बच्चों में भी आदत देखी है, वो मूवी या कुछ भी चलाओ और वो फ्रिक्वेंटली खाते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो मूवी चलती है तब तक उनका खाना चलता है। बिल्कुल, तो ऐसे एडल्ट्स में ज्यादा होता है। अब चिप्स का एक पैकेट रखा है, एक के बाद एक वो खत्म होता जाएगा, पेप्सी की बॉटल है वो पूरी की पेप्सी बॉटल खत्म हो जाएगी। तो ये होते हैं बिंज ईटर्स। और वो बिंज ईटिंग किस में होती है ज़्यादातर, जो कि बहुत ज़्यादा एंग्शियस लोग होते हैं, जिनके अंदर एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो लोग बिंज ईटर्स की कैटेगरी में आते हैं। और वो किस चीज़ के पीछे भागते हैं, उस प्रोडक्ट के जिसके अंदर मैदा होता है या जिसके अंदर शुगर होता है बहुत ज़्यादा। तो ये दो चीज़ें जो होंगी उसके पीछे बिंज ईटर्स भागेंगे, क्योंकि वो एंग्जाइटी है उनके अंदर। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो है मूड ईटर्स। मूड ईटर्स हम जैसे लोग भी हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो हमारा खाने का पैटर्न भी चेंज हो जाता है। मूड स्विंग्स भी है, और मूड ईटर्स की बात जब होती है तो हम जैसे लोग, जैसे कि मेडिटेटर्स, ध्यानी हैं हम लोग दूसरों के हेल्प के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम सेंसिटिव भी हो जाते हैं एनर्जीज के लिए, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे सामने कोई एक इंसान बैठा है, वो रो रहा है या तकलीफ है उसको, पेन है, सफरिंग है, हम क्या करते हैं, हम वो एनर्जी हम ग्रैस्प करने लग जाते हैं। अब क्या होता है स्नेहा जी, कि सपोज मैं हूँ, मेरी एनर्जी जो है, मेरे अंदर ऑलरेडी मेरे इमोशंस हैं जो कि आइडेंटिफाइड नहीं है, जिनको मैं इमोशंस का ध्यान नहीं रख रही हूँ। यहाँ से और एक और लेयर आ रही है, जो मेरे सामने बैठा है इंसान,
उसकी भी इमोशंस ऊपर आ रहे हैं। अब क्या होता है, मेरे को हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मेरे इमोशंस भी हैं और उनके भी हैं। तो अब क्या करूंगी मैं, मेरे पास आउटलेट नहीं है, मैं क्या करूंगी उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए मैं खाना खाना शुरू कर दूंगी। जैसे मैं ये करती थी, मैं चीज बर्गर्स खाती थी, बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज, चीज बर्गर्स फ्रेंच फ्राइज और आइस टी, ये सब तो चाहिए ही चाहिए मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। और मुझे लगता नहीं था कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन होता था। सो इस तरीके से बिंज ईटिंग हो जाती है, लेकिन मूड ईटर्स के साथ। थर्ड जो कैटेगरी है वो हमारी आती है स्नेहा जी, सेल्फ एस्टीम ईटर्स, जिनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ बहुत नीचे होता है, बहुत लो होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ के लिए, जैसे होता है ना, कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही अकेले रहे हैं, उनके पास ना कोई दोस्त है, अगर फैमिली भी होगी तो उससे भी दूर ही रहेंगे वो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मेरी कोई ना फैमिली है ना कोई कंपेनियन है, ऐसा उनको फीलिंग आने लगता है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने कंपेनियन को बुक्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में ढूंढते हैं, और उनको ये लगता है कि अगर मेरे लिए खाना जो है कंपेनियन है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उससे उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, उनको वो सारे पेन और सफरिंग जो हुए हैं, जो अकेलापन जो है, वो उनको वो कंप्लीट करता है जो खाना है। तो इसलिए वो जो होते हैं वो अलग तरीके से खाना शुरू करते हैं। उनका जो मेन चीज होता है, क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग है कि मुझे अपनी लोनलीनेस दूर करनी है, तो वो चिप्स पे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिप्स, क्रंची चीज़ें खाएंगे, बहुत ज़्यादा जिसमें क्रंच होगा, जिसमें चॉकलेट होगा, वो सारी चीज़ें खाएंगे। और चौथा जो है स्नेहा जी, जो हमारे कैटेगरी है, जो लास्ट कैटेगरी है, वो होते हैं स्ट्रेस ईटर्स। स्ट्रेस ईटर्स आपको पता है कि स्ट्रेस जिनको है और ज़रूरत से ज़्यादा, और जो पास्ट में रहना चाहते हैं, जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोग स्ट्रेस ईटर्स होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि उनमें अल्कोहल जो पीते हैं ज़्यादा, अल्कोहलिक्स होते हैं, या ड्रग्स जो लेना शुरू कर देते हैं, या बेहिसाब पेप्सी की बॉटल्स पीते हैं और एम्प्टी करते हैं, ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि उनको क्या है, उनको चाहिए खुशी, हैप्पीनेस, और उनके पास वो लगता है उनको कि हमारे लाइफ में खुशी नहीं है, लाइफ, हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, जैसे बोलते हैं झंड है, तो बिल्कुल वो है। तो बिल्कुल सही, उस चीज़ को ठीक करने के लिए वो लोग खाने का सहारा लेते हैं, और फिर वो खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। तो ये हैं चार प्रकार के ईटर्स। तो शाहरुख जी, अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि ये फिजिकल ईटिंग जो होती है और ये इमोशनल ईटिंग, क्या इसमें डिफरेंस होता है? जी हाँ स्नेहा जी, इमोशनल ईटिंग और फिजिकल ईटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इमोशनल ईटिंग और फिजिकल ईटिंग की अगर हम बात करते हैं तो एक छोटी सी थिन लाइन है उसके अंदर, लेकिन उस थिन लाइन को ही समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज हम लोग इमोशनल ईटर्स बन जाते हैं। तो फिजिकल हंगर क्या है और इमोशनल हंगर क्या है, तो उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या है, फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। तो जब हम इमोशनल ईटिंग की बात करते हैं, वो एकदम से स्नेहा जी, वो सडन होती है, अचानक से आपको भूख लगेगी और अचानक से एक इच्छा होगी किसी एक चीज को खाने की। जैसे आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं, पीएमएस होता है, तो हमें एक पर्टिकुलर खाने की भूख लगती है और हम जाते हैं कि हमको वो खाना कैसे भी करके, तीव्र इच्छा होती है कि मिल जाए और हम खा लें वो चीज़, ठीक है। लेकिन अगर हम भूख, जो हमारी एक फिजिकल हंगर होती है, यानी कि जो हमारे पेट से निकल रहा है, जो हमको लग रहा है कि नहीं मुझे तो अब भूख लगा है, अब उसमें क्या होता है, सपोज आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पे क्या होता है, वेटिंग है, ठीक है, आप वहां बैठे हैं, बैठने के बाद आप 10 मिनट वेट कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप आधा घंटा भी वेट करते हो और आधा घंटे के वेट करने के बाद उसे खाने भी लगते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेशिएट हो जाते हो, आपका अंदर की तृप्ति हो जाती है। लेकिन जब इमोशनल हंगर होता है स्नेहा जी, आपको चीज चाहिए तुरंत तुरंत, वेट नहीं कर सकते, वो वेट नहीं कर सकते, एक मिनट में वो चीज आपके प्लेट में होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे वो कैसी भी चीज हो, वो एक पर्टिकुलर चीज के पीछे दिमाग जो है हमारा भागता है और हमें वो खाना होता है।
इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल हंगर है वो हमारा रूटीन हंगर है, जो हम रूटीन में सुबह शाम दोपहर जो भी खाते हैं एक रूटीन के हिसाब से चलते हैं, उसमें हमारा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। हमें पता है कि 2 बजे खाना खाना है, शाम को 4 बजे चाय पीनी है, और वो हमारा रूटीन है। रूटीन को हम थोड़ा सा फ़र्क करेंगे इमोशनल या फिजिकल हंगर से या फिजिकल ईटिंग से, क्योंकि जब भूख लगती है तब हम खाते हैं, जब हमारा पेट बोल रहा है कि हाँ भाई अब रिक्वायरमेंट है एनर्जी की तो अब तुम खाओ, ज़रूरत नहीं है तो मत खाओ। लेकिन जो हम इमोशनल हंगर की बात करते हैं वो तो आपको एट ए टाइम चाहिए ही चाहिए, चाहिए, और वो टाइम को नहीं देखेगा कि भाई 2 बजे अभी 6 बजे हैं अभी 8 बजे। हाँ, वो तो जब उसको क्रेविंग हुई या कुछ भी खाया तो उसे चाहिए ही चाहिए। अब दूसरा डिफरेंस जो है स्नेहा जी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना सभी दर्शकों को, वो ये है कि इमोशनल हंगर जो होता है क्रेव करता है एक पर्टिकुलर फूड को, एक चीज़ को। जैसे सपोज चीज़ होता है, चीज़ मैंने बोला तो चीज़ ही सही, तो जब हम चीज़ की बात करते हैं उसके पीछे एक इंसान भागता है। आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जो कि पिज्ज़ा के ऊपर बहुत सारा चीज़ डाल के खाते हैं और उनको वैसा ही पसंद है। अगर आप चीज़ उसमें से हटा दोगे तो उन्हें तो पसंद नहीं आता, नहीं, क्योंकि उनको चीज़ खाना है, वो चीज़ में जो प्रॉपर्टी है उसको वो चाहिए उनको किसी भी तरीके से। तो लेकिन अगर हम फिजिकल हंगर की बात करते हैं, जैसे हमारी एक शरीर में एक भूख लग रही है, तो हम हमेशा एक तो हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे, और दूसरा उस समय अगर हमें भूख लगी है, अगर हमारे प्लेट में अगर सब्जियां हैं या दाल रोटी है तो भी हम खा जाएंगे। हम चूजी नहीं होंगे, हम पिकी ईटर्स नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है हमें भूख लगा है, हम दाल रोटी है दही है सामने खाना है हमको। लेकिन जब इमोशनल ईटिंग होगा आप उनके सामने दाल रोटी कुछ भी रख दीजिए वो नहीं खाएंगे, उन्हें वही चाहिए जिसकी उनको क्रेविंग या जिनकी भूख लग रही है उनको वो ही खाएंगे। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ जो एक तीसरा एक और डिफरेंस है जो भी इम्पोर्टेंट है, जब भी इमोशनल ईटिंग होता है ना स्नेहा जी, वो माइंडलेस होता है। माइंडलेस यानी कि जहाँ आपको एक प्लेट खाना है वहाँ आप 3 खा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब हम फिजिकल हंगर की बात करते हैं कि जो हमें फिजिकली भूख लग रही है, उसमें अगर आपको पता है आपके स्टमक को कि मुझे इतना खाना है और मुझे इतने से ज़्यादा नहीं खाना है, तो आप नहीं खाएंगे। लेकिन इमोशनल ईटिंग में आप प्लेट 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 खा लोगे, आप कोक की बॉटल्स ख़त्म कर दोगे, आप चिप्स के पैकेट ख़त्म कर दोगे, एकदम माइंडलेस ईटिंग हो जाती है उसमें। ओके, इट मींस वो अवेयरनेस में नहीं रहते। हम ये कह सकते हैं कि जो इमोशनल ईटर्स होते हैं वो अवेयरनेस में नहीं रहते, उनको जो चाहिए ना वो उसकी क्वांटिटी देखते हैं ना क्वालिटी देखते हैं, उनको जो खाना है बस वो खाना ही है, चाहे कितना भी खाना पड़े, जितनी जब तक उनकी तृप्ति नहीं हो रही। स्नेहा जी, अवेयरनेस की बात छोड़िए, लोगों को पता ही नहीं है कि भावनाएं उनके साथ खेल रही हैं। क्योंकि भावनाएं हमेशा हमने यही सीखा और समझा है कि हम रो रहे हैं तो हम इमोशनल हैं, हंस रहे हैं तो इमोशन है, या सैडनेस मूड में है, हम मूड के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से अब क्योंकि हम अवेयरनेस तो तभी आएगी ना जिस समय हमें पता है कि ये इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, और इसीलिए विषय लिया गया है। हाँ। ताकि लोग इस चीज के लिए अवेयर हो जाएं कि कैसे वो खा रहे हैं, क्या वो इमोशनल ईटर हैं या इमोशनल ईटर नहीं है, तो इस चीज़ से उनको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, क्या ये धीरे धीरे जैसे इमोशंस उनके बैलेंस होते हैं और वो इस चीज़ से बाहर भी आ जाते हैं? बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, अगर इमोशंस को वो ठीक से एड्रेस कर रहे हैं तो तब वो बाहर आ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शाहरुख जी की, फूड क्रेविंग क्या होती है और ये क्यों होती है? बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन पूछा है आपने स्नेहा जी, कि फूड क्रेविंग किसे कहते हैं। तो जब हम क्रेविंग की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा जी। यूजुअली 3 कैटेगरीज के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके पीछे हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, उनमें से होता है एक स्वीट, एक सॉल्टी, एक फ्राइड। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा स्वीट टूथ था। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको क्रेविंग होती है कि अब मुझे मीठा खाना ही खाना है, तो मैं उस कैटेगरी में आती थी। तो इसका रीज़न क्या है वो मैं बताती हूँ। किसी भी क्रेविंग का रीज़न, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, कॉजेज होते हैं, लेकिन हर कॉज या हर क्रेविंग एक साइकोलॉजिकल और एक जो हमारा फिजियोलॉजिकल
रीज़न होता है उसका। तो जैसे फिजियोलॉजिकल रीज़न में अगर सपोज़ आपका स्वीट टूथ है तो आपके अंदर किसी भी तरीके की मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, इस वजह से आप स्वीट्स के पीछे भागते हो। लेकिन उसका मेन रीज़न जो होता है इमोशनली ईटिंग हम क्यों करते हैं शुगरी प्रोडक्ट्स की जैसे आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स की, क्योंकि हमारे अंदर लाइफ में स्वीटनेस नहीं होती है। सपोज हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर स्वीटनेस नहीं है, लव कंपैशन नहीं है, रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो तब हम स्वीट्स के पीछे भागेंगे। उसी तरीके से जब हम सॉल्टी क्रेविंग्स की बात करते हैं तो सॉल्ट क्या होता है, मदर अर्थ से निकला है, उसके अंदर ग्राउंडिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो वो इंसान सॉल्ट के पीछे भागेगा जिसको अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ग्राउंड करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है और अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना है। क्योंकि जब हम सॉल्ट की बात करते हैं वो आपके अंदर बैलेंस लेकर आता है, कि किसी भी तरीके का इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करता है। आपने बीपी को देखा होगा, लो बीपी होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट दिया जाता है और हाई बीपी में कम किया जाता है। सो फिजियोलॉजिकल रीज़न जो है उसका वो ये है कि आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है इसलिए आप भाग रहे हो। लेकिन एक्चुअल रीज़न जो होता है वो ये होता है कि हम सॉल्टी फूड के पीछे क्यों भागते हैं। उसी तरीके से तीसरी कैटेगरी है फ्राइड फूड। हम छोले भटूरे, पूड़ियाँ, ये सब चीज़ें, ब्रेड पकौड़े, ये सब चीज़ों के पीछे वो इंसान भागता है जिनको पावर की एक अंदर से एक फीलिंग है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा लिवर जो है वो फैट को प्रोसेस करता है और लिवर के वहीं पर ये हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है जिसे सीट ऑफ इनर पावर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जिस इंसान के अंदर सेल्फ एस्टीम कम होगा, सेल्फ वर्थ कम होगा, अपनी इनर पावर कम होगी, वो हमेशा फ्राइड जो होगा चीज़ें उसके पीछे भागेगा। तो ये देख रहे हैं आप कितनी तीन कैटेगरीज हैं, और भी कैटेगरीज हैं जैसे स्पाइसी फूड है वो लोग खाते हैं जिनको एक्साइटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे सपोज मिर्ची वाला कुछ खाना खा रहे हैं उसके साथ एक और हरी मिर्च खाएंगे वो लोग। वो ऐसे लोग होंगे जिनको पीछे एडवेंचर चाहिए, लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, तो वो स्पाइसी फूड खाते हैं। कॉफ़ी, लोग कैफीन के पीछे भागते हैं क्योंकि उनको किक मिलता है। एक वो क्यों किक मिलता है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है कॉफ़ी के अंदर, और उससे उनको ये एक छलावा होता है कि जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो मतलब एक पैट ऑन द बैक कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये कॉफ़ी से उनको ये किक मिलता है और इसलिए वो कॉफ़ी पीते हैं। तो क्रेविंग जो होती है किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ को खा लेने की इच्छा होती है, एक पर्टिकुलर चीज़ को खा लेने की इच्छा होती है। तो जब हम क्रेविंग की बात करते हैं तो क्रेविंग हमारे कुछ रीजंस की वजह से आती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं। तो उसका मेन कॉज क्या है क्रेविंग का, क्यों हम किसी भी एक चीज़ के पीछे भागते और दौड़ते हैं, उसका रीज़न है। तो तीन रीजंस हैं स्नेहा जी उसके, जो मुझे समझ में आए अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि मैं भी एक इमोशनल ईटर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। और आई थिंक स्नेहा जी हर इंसान जो इस धरती पे है वो किसी ना किसी टाइम पे इमोशनल ईटर रहा है, बस हमें पता नहीं होता है कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी पेट की भूख है तो हम खा रहे हैं, बट इमोशनल ईटिंग हर कोई करता है, कुछ ज़्यादा करते हैं कुछ कम करते हैं। तो जब हम क्रेविंग की बात करते हैं तो स्नेहा जी तीन इसके रीजंस, मेजर रीजंस होते हैं। तो पहला रीज़न जो होता है वो होता है किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। किसी भी तरीके की अगर हमारे ज़िंदगी में, हमारे शरीर में अगर डेफिशिएंसी होती है कोई भी मिनरल की या किसी भी विटामिन की, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर फूड के पीछे भागते हैं। दूसरा रीज़न होता है पास्ट लाइफ, जो कि क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हूँ और बहुत से मेरे जो क्लाइंट्स हैं, लोग हैं, जो मास्टर्स हैं, जो आते हैं, बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये क्रेविंग्स वो अपनी पास्ट लाइफ से भी लाए लेकर आते हैं। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक इंसान पिछले जन्म में उसको खाना नहीं मिला है, बहुत ही भूखा रहा है वो और बहुत ही ज़्यादा खाने के लिए वो तड़पा है, और उसकी जो लास्ट थॉट्स हैं तो यही अगर हैं कि मुझे आज तक
ठीक से मैं खाना नहीं खा पाया और उसकी वजह से पूरी उसकी जिंदगी सिर्फ एक थॉट को लेके ही आगे पीछे घूम रही थी। तो नेक्स्ट जब वो कभी भी जन्म लेता है, वो इंसान, वो सोल जब जन्म लेती है, तो अपने साथ ऐसा चैलेंज लेके आती है कि इस जन्म में उसको बैलेंस करने के लिए वो ऐसा जन्म लेके आएगा जिसमें वो खाएगा, भरपूर खाएगा, पूरी तरीके से। जैसे कि लोग जिनको ओबेसिटी होती है, अगर आप देखेंगे तो वो भरपूर तरीके से खाते हैं, पूरा खाना खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। जेनेटिक भी होता है रीज़न ओबेसिटी का, दूसरे रीजन्स भी होते हैं, लेकिन वो इमोशनली ईट करते हैं ज़्यादा। अब क्या चैलेंज है उनको इस जन्म में कि उसको बैलेंस करना है, उस हंगर को और इस हंगर को, और वो बैलेंस नहीं हो पाता है, इसलिए हम ओबीस होते जाते हैं, हमारे शरीर में चेंजेस आने लगते हैं, हम मोटापे की तरफ भागने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है पास्ट लाइफ जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कभी कभी, जिसकी वजह से हमारे ज़िंदगी में क्रेविंग आती है। थर्ड रीज़न जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगेन टू फील बेटर। क्रेविंग्स क्यों होती हैं? ताकि हमें बहुत सुकून मिले, हमें अच्छा लगे। कभी कभी स्नेहा जी, आपने अपने बच्चों को या आपने खुद में देखा होगा कि आप कभी हॉट चॉकलेट या कभी चॉकलेट खाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऐसी आवाज़ें निकालेंगे आप जब चॉकलेट खाएंगे, जैसे बहुत ही पसंद आ रहा है, मज़ा आ गया अंदर खा के ना। तो ये होता है टू फील बेटर। तो क्रेविंग्स जो होती हैं, ये तीन कॉजेज के आगे पीछे ही घूमती हैं जिसकी वजह से हम लोग खाते हैं। शाहरुख जी, जैसे आपने बताया ओबेसिटी का इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, ये मैंने लुईस हेले में भी पढ़ा है उनकी यू कैन हील योर लाइफ में, कि ओबेसिटी या हमारा जो फैट बॉडी में आता है वो इमोशंस की वजह से आता है, आपका खाने की वजह से नहीं आता। तो मैं आपकी इस बात से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ये बिल्कुल एकदम सही रीज़न है कि हम इमोशनली मोटे होते हैं दोस्तों, ना कि खाने से। आप अपने रीजन्स को देख सकते हैं। बिल्कुल। और यूजुअली क्या होता है स्नेहा जी, अगर हम फैट की बात करते हैं तो आप हमेशा ये देखेंगे कि चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, उनका यहाँ पे फैट आता है इधर इस पोर्शन में आएगा, या पीछे जो जो बट का एरिया होता है वहाँ पे फैट आ जाएगा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एंगर। तो मोस्टली वहाँ पे ही फैट जमा होता है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल इश्यूज जिनको होते हैं, जिनको डर लगता है, जिनको एंगर इश्यूज हैं, ये सब जगह या चेस्ट में एरिया में होगा या पीछे बट एरिया में होगा। आपसे तो बहुत हमें इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान की बातें मिल रही हैं, और मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम जो उनको बताना चाह रहे हैं। तो अच्छा शाहरुख जी, एक चीज़ और बताइए, कई बार हम एक ही पदार्थ के पीछे जो खाने की चीज़ होती है उसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी, अभी हम लोगों ने क्रेविंग्स के बारे में बात की, तीव्र इच्छा के बारे में बात की। तो अब जब हम क्रेविंग, जैसे आपने बोला कि हम क्यों एक चीज़ के प्रति आकर्षित हैं, आपने बच्चों को देखा वो जेम्स के पीछे भागते हैं, या जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक पर्टिकुलर चॉकलेट के ब्रांड के पीछे भागते हैं कि नहीं मुझे वही खाना है, या वो फाइव स्टार खानी है जिसमें कैरमल है, मुझे आज भी फाइव स्टार ही पसंद है। बिल्कुल। सो हमें लगता है ना, और लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दिन में तीन तीन चार चार खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अगर हफ्ते में एक बार ही खा रहे हैं तो वो एक इमोशनल ईटिंग है, नहीं, उसको इमोशनल ईटिंग नहीं कहते। लेकिन अगर दिन में आप चार चार स्लैब्स खा रहे हो आइसक्रीम्स की, चाहे वो आइसक्रीम हो चाहे वो कुछ भी हो, तो डेफिनेटली वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो अब ये समझते हैं कि ये क्रेविंग क्यों होती है, हम एक के पीछे ही क्यों चल पड़ते हैं, क्योंकि हमारे हर एक खाद्य पदार्थ में एमिनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर टेक्सचर होता है एक पर्टिकुलर टाइप का, स्मेल होता है एक पर्टिकुलर टाइप का, और हर खाद्य पदार्थ में एक मूड ऑल्टरिंग प्रॉपर्टी होती है और एनर्जी ऑल्टरिंग प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से हम एक तरीके की चीज़ के पीछे भागते हैं। अब सपोज अगर हम लोग डिप्रेस्ड हैं, तो अगर डिप्रेशन में है, हमको ऐसे खाने की तलब मचेगी जो कि हमारे डिप्रेशन को या हमारे मूड को थोड़ा सा अच्छा कर दे, अच्छा करे, रिलैक्स करे, फील जैसे करे। बिल्कुल, जैसे सपोज आइसक्रीम का टब है, आप जाओगे फ्रिज खोलोगे, आइसक्रीम का टब पड़ा होगा, उठाओगे और पूरा आइसक्रीम का टब कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। उसी तरीके से सपोज अगर आप बोर हो रहे हो, ठीक है, तो जब हम बोर होते हैं उस समय खालीपन महसूस होता है, और उस खालीपन को भरने के लिए
हम चिप्स खाना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, बहुत परेशान हैं किसी चीज़ से, तो हम ऐसी चीज़ के पीछे भागेंगे जो हमको सुकून दे देगी, जो हमारे टेंशन को ख़त्म कर देगी। तो हम उस एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भागेंगे क्योंकि उसमें वो एक मूड चेंज करने का और एक एनर्जी को चेंज करने का एक जरिया है जो हमें दिख रहा है। और जैसे ही हम वो खाते हैं, वो चीज़ें हम महसूस करने लगते हैं। अब हमेशा ये याद रखिएगा कि जो चीज़ हमारे पास हमने खाई है और आज उससे हमें बहुत रिलीफ मिला है, तो हम उस चीज़ के पीछे ही भागेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम ऐसा फील होगा तो हमें लगेगा वही खा लेते हैं, हम रिलैक्स हो गए थे, बेटर फील किया था। बिल्कुल। अच्छा, ये क्रेविंग क्या हमेशा हमारे साथ रहती है? स्नेहा जी, जब हम किसी भी तरीके की क्रेविंग की बात करते हैं, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, सब कुछ जो है वो इम्परमानेंट है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने इमोशंस को पहचान रहे हैं, क्या आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं, क्या आप इमोशंस को देख पा रहे हैं। सपोज अगर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, तो सपोज शाहरुख के अंदर गुस्सा भी है, रोष है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, उसे टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है। अब उसके पास 5 इमोशंस हैं जो उसके पूरे शरीर को इम्पैक्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो खाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि वो एंगर हमेशा इसका सबसे बड़ा एक प्रीडोमिनेंट जो है इमोशन है, उसकी वजह से वो क्या कर रही है कि उसको चाहिए कि वो चिप्स खाए। अब शाहरुख ध्यान करने लग गई, ध्यान से उसको थोड़ा सा दिमाग और समझ भी मिली, तो अब समझ में आया कि भैया ये करने से तो कुछ नहीं होने वाला। अब वो एंगर के साथ या अपने गुस्से के साथ बैठ गई कि चलो भैया अब समझते हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या करना है, क्या ज़रूरत है। चलो अब उसने एंगर ख़त्म कर दिया, अपना गुस्सा ख़त्म कर दिया, तो अब वो चिप्स की क्रेविंग जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी स्नेहा जी 4 इमोशंस और भरे पड़े हैं उसके अंदर, उन 4 इमोशंस का क्या होगा, वो भी ट्रिगर करेंगे। बिल्कुल। अब एंगर वाला इमोशन खत्म हो गया तो मेरे चिप्स वाली क्रेविंग खत्म हो गई, लेकिन अब क्योंकि दूसरा वाला इमोशन जो है प्रीडोमिनेंट हो गया, तो अब क्रेविंग मेरी चेंज हो गई। अब मैं चिप्स की जगह चॉकलेट्स खाने लग गई क्योंकि मुझे चॉकलेट से मेरा सेकंड इमोशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं स्नेहा जी, हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम अपने इमोशंस को खा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी फीलिंग्स को खाना है, हमें फीलिंग्स को चाहिए कि उनको शांति मिले, मेरी फीलिंग्स को शांति मिल जाए। हम पेट को शांत नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शांत कर रहे हैं। इस वजह से जो क्रेविंग्स होती हैं वो चेंज होती हैं, तब तक चेंज होती रहेंगी, विद्यमान रहेंगी, जब तक कि आपकी भावनाएं आपके अंदर विद्यमान रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इमोशंस के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये इमोशनल ईटिंग किस वजह से होती है? इमोशनल ईटिंग के स्नेहा जी अगर हम कॉजेज ढूंढने के लिए जाएंगे, तो हर इंसान के साथ अलग 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 कॉजेज होते हैं। तो इमोशनल ईटिंग के कॉजेज मैं अब आपको समझाती हूँ। 4-5 कॉजेज हैं जो समझ लीजिए तो बहुत अच्छा है, और समझ के उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करें, तो अच्छी बात होगी। तो सबसे पहला चीज़ जो कॉज जो पहला है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो आजकल हर किसी को है। बिल्कुल है, हर एक को है। अब वो स्ट्रेस को कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देते हैं वो सिर्फ हमारे ऊपर है, क्योंकि अब हम लोग ध्यान करते हैं तो हम जानते हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। अब लेकिन स्ट्रेस से किस तरीके से हम लोग खाने लगते हैं, ये थोड़ा सा रिलेशनशिप उसका बहुत वियर्ड इस समय साउंड कर रहा होगा, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्नेहा जी क्या है कि जब हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तो हम स्ट्रेस लेने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। तो क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन है एक, जो जिसको बोला जाता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो बाहर सिक्रीट होने लगता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा, और उससे क्या होता है, एक हैप्पी हार्मोन बोला जाता है सेरोटोनिन, वो डिप्लीट होने लग जाता है। अब वो अच्छा हार्मोन जो है वो डिप्लीट हो रहा है,
जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो इंक्रीज हो रहा है। अब जब वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो अब वो किसके पीछे भागता है? स्वीट, शुगर, फैटी फूड। इन तीन कैटेगरीज के फूड जो होते हैं, खाना होता है, उनके पीछे भागना शुरू करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि भैया स्ट्रेस है तो मुझे इन तीनों के पीछे भागना है और ये मुझे चाहिए ही चाहिए। पहला फोरमोस्ट रीजन। सेकंड रीजन जो है, आपसे तब से ही हम बात कर रहे हैं, स्टफ्ड इमोशंस। इमोशंस स्टफ्ड होंगे, इमोशंस को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो हम इमोशनल ईटिंग करेंगे। तो आप कितनी भी जिमिंग कर लीजिए, आप कितना भी एक्सरसाइजिंग कर लीजिए, आप कितना भी योगा कर लीजिए, आप अपना वेट को वहीं पाएंगे जब तक आप अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं कर लेते। तो इमोशंस जितने स्टफ्ड अंदर होंगे, जितने अंदर की तरफ आपने दबा के रखे होंगे, अब टाइम है उनको बाहर निकालने का, उस कूड़े को साफ करने का, ताकि इमोशनल ईटिंग आपकी कम हो। तो इसमें शाहरुख जी एक चीज, सॉरी मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे इमोशंस की वजह से हम ईटिंग कर रहे हैं, ओबेसिटी भी जा रही है, हम मोटे भी हो रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि कोई जन पतला होता है और वो पतला ही रहता है, उसका वेट अपडेट नहीं होता, बढ़ता नहीं है, चाहे वो कितना ही जिम कर ले, कुछ भी कर ले। जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे होता है दो तरीके का होता है। हम यहाँ पे इमोशनल ईटिंग की बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो वो होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है जिसमें एक इंसान जो है वो खाना ही नहीं खाता, और अगर खाना खाता है तो उसको लगता नहीं है, और वो पतले पे पतला, कमज़ोर पे कमज़ोर होता है। बट ये भी इमोशंस का ही लेना देना होता है मोस्टली, कि जो इंसान अगर डिप्रेशन में होगा, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, स्पेशली अगर आप मेरी बात करते हैं, तो मैं एक कैटेगरी मेरी इमोशनल ईटिंग में होती थी कि मैं इमोशनल ईटिंग करती थी। एक टाइम ऐसा होता है जैसे पीएमएस हो रहा है मुझे, या उस समय मैं चमिंग कर रही हूँ, या मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, उस समय मेरी भूख एकदम ख़त्म। ओके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस समय बहुत खाते हैं, उनको ईटिंग हैबिट होती है, और मेरी भूख एकदम ख़त्म हो जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि शरीर जो है आपका किस तरीके से किस सिचुएशन को रिएक्ट कर रहा है, और अगर आप उस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेते हैं तो ना तो आप इमोशनल ईटिंग की तरफ जाएंगे, ना आप एनोरेक्सिया की तरफ जाएंगे। तो ये मेजर कॉज जो है स्नेहा जी, वो यही है कि अपने इमोशंस को पूरी तरीके से उसको आइडेंटिफाई करो और देखो कि आप क्यों खा रहे हो किसी भी चीज़ को। ये सेकेंड रीज़न है। ओके। थर्ड रीज़न जो है इसका, वो हम चाइल्डहुड हैबिट्स के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि स्नेहा जी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग क्या करते थे या क्या करते हैं कि हम उनको बोल देते हैं ना कि अगर तुम मार्क्स इतने लेकर आओगे तो हम तुम्हें पिज्ज़ा पार्टी देंगे, है ना। या कभी हम बच्चे ने कुछ किया तो उसको रिवॉर्ड में हमने चॉकलेट या पॉपिन्स या लॉलीपॉप्स दे दिए, या पेप्सी की एक बॉटल पकड़ा दी, करते हैं ना, जाने अनजाने में हम करते हैं। लेकिन अगर हम ये हैबिट बना देते हैं बच्चे के अंदर शुरू से, क्योंकि जिसे बोलते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट एक वैल्यू दे सकते हैं बच्चे को, लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते बट वैल्यू दे सकते हैं, तो अब वो क्या सीख रहा है इससे कि मुझे, मैं मार्क्स ज्यादा लूंगा तो मुझे पार्टी मिलेगी, और मुझे पार्टी में क्या मिलेगा? खाने को मिलेगा। और खाना वो क्या है? वो सब फास्ट फूड है। बिल्कुल। तो ऐसा ही हो जाता है ना। तो अब बच्चे को ये समझ में आया, अब धीरे धीरे यही जो चीज है वो अपने वो एडल्टहुड में भी लेके गया। तो जब भी कोई पार्टी हुई, पीना शुरू कर दिया, पार्टी हुई पेप्सी पीना शुरू किया, या पीना शुरू कर दिया अल्कोहल, हार्ड ड्रिंक्स लेना शुरू कर दिया, पिज्जा खाना शुरू कर दिया, बॉगस खाने शुरू कर दिए। आजकल तो ये पैटर्न है, मैंने देखा है पार्टीज में, पार्टीज का मतलब ही यंग स्ट्रेस के लिए अल्कोहल है। बिल्कुल, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंसेस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है ऐसे ईटिंग का, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर क्या प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है स्नेहा जी, और वो हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और जब वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तब हमें परेशानी शुरू हो जाती है अंदर से, हमें ऊपर से ही नहीं दिखेगा। तो इमोशनल ईटिंग के लिए सोशल इन्फ्लुएंसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सपोज़ अगर आप मेरे बेटे की बात कीजिए, तो उसके ऑफिस में जो उनका पीयर सर्कल है वहाँ पे पीना बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, और मेरा बेटा नहीं पीता।
तो उसको ड्रिंक की आदत नहीं है अब। लेकिन अब क्या होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा था कि यार थोड़ा सा ले ले यार, क्या हो गया। एक ने उसको ये भी बोला कि भाई तुझे पता है इससे सारा पेन खत्म, सब सफरिंग, जो ये तेरे टेंशन वेंशन स्ट्रेस रहता ना तुझे, ये भी खत्म हो जाएगा। अब जब कोई एक दोस्त आपका कुछ ऐसा बोल रहा है तो आपका दिमाग थोड़ा सा ब्रेन वॉश होने लगता है। आपको लगता है ना कि यार उसका टेंशन और स्ट्रेस गया इससे तो शायद मेरा भी चला जाएगा, तो मैं भी एक ड्रिंक करके देख लेता हूँ, शायद मेरा भी हो जाएगा, है ना। ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अब वो ट्राई करने के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, अब उसने ट्राई किया, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको वो स्ट्रेस खत्म हो गया। अब जैसे ही वो स्ट्रेस खत्म हुआ, उसको लगा अगर मैं रोज पीऊंगा तो मैं तो स्ट्रेस फ्री रहूंगा और इसलिए अल्कोहलिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो जब मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा तो मैंने उससे पूछा सिर्फ क्या आप ये करना चाहते हो, तो उसने कहा नहीं मम्मी मुझे नहीं करना है ये, लेकिन वो बहुत फोर्स करते हैं करने के लिए। मैं कहा कोई और अल्टरनेटिव है, कहते हैं हाँ अल्टरनेटिव है कि मैं कोई और सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ अपने हाथ में लेके खड़ा हो जाऊँ। तो मैंने कहा आप ये करना चाहते हो, हाँ मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अल्कोहल की तरफ नहीं जाना है। और आज वो उसी पीयर ग्रुप में रह के उस पीयर प्रेशर को सहने के बावजूद वो वहाँ खड़ा है और उसने अल्कोहल नहीं लिया। तो उसी तरीके से बहुत से बच्चे हैं जो कि इमोशनल ईटिंग या ड्रिंकिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं पीयर प्रेशर या सोशल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और बच्चों के साथ स्नेहा जी, जब तक हम एक दोस्त की तरह इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है जो मैं बहुत मजा आ रहा है शारु जी आपसे बात कर मतलब इतनी नई नई बातें सुनने को और समझने को मिल रही है। मुझे लग रहा है आज हमारे दोस्त भी जितने देख रहे हैं ना सब बैठे होंगे चिपत्थर की नहीं अब तो हम देखेंगे इसको। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रीजन की तरफ हम लोग चलते हैं जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है हमारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो स्नेहा जी, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस मैं ये नहीं बोलूँगी कि उससे इमोशनल ईटिंग होता है, लेकिन हमारे ईटिंग हैबिट्स चेंज होते हैं। ये कैसे मैंने महसूस किया कि क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ तो दिल्ली में आपको पता है वेदर कैसा रहता है, तो कभी समर्स हैं, कभी विंटर्स हैं, कभी अलग अलग, कभी ड्राई, कभी ह्यूमिड कुछ। अब दिल्ली की जब गर्मी होती है आपको मन करता है कि आप माउंटेन एरिया में जाओ, तो सभी लोग भागते हैं। तो जितना मैं दिल्ली में खाना खाती थी उससे मेरा एपेटाइट इंक्रीज हो जाता था जब मैं माउंटेन एरिया में जाती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि अगर मैं हिमाचल या मैं कहीं पे भी ऐसे माउंटेन एरिया में जा रही हूँ तो वहाँ पे मैं खाने क्यों लग जाती हूँ, वहाँ पे मेरी जो जिसे बोलते हैं क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती थी। जैसे सपोज अगर मैं दिन में दो बार ही खाती थी दिल्ली में तो वहाँ तीन बार ही हो जाता है, स्नैक्स भी हो जाते हैं, पकोड़े भी हो जाते हैं, चाय भी हो जाती है, देन खाना तो है ही, लंच डिनर ब्रेकफास्ट ये सब भी होने लग जाता है। ये क्यों होता है आप जानते हैं स्नेहा जी क्या है इसका रीजन? नहीं मैं नहीं जानती, आप ही बताइए आज तो। नहीं कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसा, क्योंकि जब मैं जर्नी में कहीं भी ट्रैवलिंग मोड में जाती हूँ ना तो मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है। कोई तो अवॉइड करता है खाना और मैं कहती हूँ नहीं मैं तो ट्रैवलिंग में जैसी गाड़ी में बैठूंगी और मुझे लगेगा नहीं हम एंजॉय करते हुए जाएंगे, खाते हुए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम बाहर जाते हैं एकदम रिलैक्स मोड होता है, एनवायरमेंट चेंज होता है। दिल्ली में जैसे आप बता रहे हो दिल्ली में क्योंकि गर्मी वेदर सब कुछ है और वहाँ हिमाचल में प्योरिटी है। आप हिली एरिया में जा रहे हो, नेचर है, प्योरिटी है और वहाँ का फूड भी बहुत एकदम लाइट होता है। आप खा भी लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया। बिल्कुल, दिल्ली का इतना सा भी हम खाना खाते हैं थोड़ा सा भी ओवर कर लो तो ऐसा लगता है ओवर ईटिंग हो गई हमें, भारी हाँ डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ ठंड होती है और जहाँ पे धूप ज्यादा नहीं होती है, हमारा एक्सपोजर धूप का नहीं है बहुत ज्यादा, तो अब क्या होता है हमारी बॉडी में जो है धीरे धीरे जो होता है सेरोटोनिन वो डिप्लीट हो रहा होता है। ओके अब सेरोटोनिन डिप्लीट होता है ना तो हमारी बॉडी कहती है भैया सेरोटोनिन का लेवल को ऊपर बढ़ाओ। और ऊपर बढ़ाने के लिए क्या सेरोटोनिन किसको बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ सकता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं।
और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे? ब्रेड शुगर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम क्योंकि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमारे ऊपर, इस वजह से हम ये शरीर में जो होती है चेंजेस वो आने लगते हैं और हम ज़्यादा खाने भी लगते हैं। शरीर की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि अब आपको फूड चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा ना, धूप का एक्सपोजर नहीं है। जहाँ धूप का एक्सपोजर नहीं होगा, आपके शरीर में सेरोटोनिन जो है वो डिप्लीट होगा और वो कार्बोहाइड्रेट्स मांगेगा ही मांगेगा। इस वजह से आपको खाने की एक ज़रूरत या लत हो जाती है। तो शाहरुख जी, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज इस एपिसोड का, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव होता है हमारे पास, इमोशनल ईटिंग को हम डील कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो स्नेह जी, मैं ये बोलूँगी कि जर्नल रखें। सबसे पहले एक डायरी, इमोशनल ईटिंग डायरी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर एक इंसान को जो मेरे पास आता है उनको मैं लिखने की हैबिट ज़रूर डलवाती हूँ। क्योंकि जब हम इमोशनल ईटिंग डायरी लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब हम शुरू करते हैं लिखना तो उसमें कुछ हम प्रश्न लिखते हैं, पूछते हैं। सबसे पहले तो हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, खाने के बाद हमें क्या फील हो रहा है और खाने से पहले हमारे इमोशंस क्या थे। तो जब आप ये सब चीज़ें अपनी डायरी में लिखने लगते हो स्नेह जी, 6 महीने के अंदर अंदर आपको समझ में आने शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। और जैसे ही आपने पैटर्न को देखा, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा कौन सा इमोशन है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, और फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ध्यानी तो हैं ही हम लोग, उसके बाद हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो डायरी, बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी बहुत बड़े बड़े गुरुओं से, जो कि हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, उनसे मेरे गुरु जो रहे हैं उनसे मैंने सीखी है कि हमेशा खाना जो है वो पॉज करो थोड़ा सा। हमेशा उन्होंने ये समझाया कि अपने स्टमक को फुल करके मत बैठो, उसको 80% खाओ और 20% छोड़ दो। और जब भी आप खाना खाओ, पॉज फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए अपने आप को रुक जाओ, एकदम से खाने मत शुरू हो जाओ। जब प्लेट आपके पास आती है तो उस समय आप अपने आप से पूछो कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, व्हाट इज़ योर इमोशन। तो जब अगर आप खुश हो गए, हैप्पी हो गए बहुत अच्छे से, तो उसके बाद आप खाना शुरू करो। लेकिन अगर आप कोई इमोशनल ईटिंग कर रहे हो और सामने आपके बर्गर पड़ा है या आइसक्रीम का टब पड़ा है और आप खाने वाले हो, 5 मिनट रुक जाओ और फिर आप अपने आप से पहले पूछो कि क्यों खा रहे हो, क्या फीलिंग्स हैं, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें एक आइसक्रीम का टब खाने की एक हुक हुई। तो ये जब आप प्रश्न अपने आप से पूछते हो, जिसे सेल्फ टॉकिंग बोलते हैं, जब ये प्रश्न आप अपने आप से पूछते हो तो चीज़ें अपने आप क्लियर होने लगती है। सो पॉज बिफोर यू ईट। तो चलिए स्नेहा जी, उस समय तो हम खा जाते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से वो टब आएगा, आपको एक अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी कि नहीं, मैंने लास्ट टाइम ये गलती की है और लास्ट टाइम मुझे पता था कि क्या हुआ है रीज़न, अब मैं नहीं खाऊंगी और खाऊंगी थोड़ा सा, दैट्स इट, छोड़ दो। थर्ड चीज़ जो डील करने के लिए, जो मैं हमेशा से ही बोलती आई हूँ लोगों को, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ योर इमोशंस। जो कि हम इमोशंस के बारे में इतना बात कर ही रहे हैं, आप जब तक अपने इमोशंस से भागेंगे, एस्केप रूट लेंगे, तब तक वो इमोशंस आपके पीछे ही पड़ा रहेगा, नो मैटर व्हाट यू डू, व्हाट यू, वेरेवर यू गो। तो हमने इमोशंस के जो है पीछे भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, चेंज करना है, रिवर्स करना है, एक अच्छे इमोशन में उसको तब्दील करना है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो है। चौथी चीज़ जो है ऑब्वियसली, जो कि पितामह पत्री जी ने भी सिखाई है, कि आप अपने फूड को, खाने को सेवर कीजिए, उसे इन्जॉय कीजिए। उन्होंने हमेशा सिखाया अपने हाथ से खाओ, क्योंकि पंचभूत होते हैं हाथों में, जब आप खाते हैं 5 एलिमेंट्स हैं सब, तो उस तरीके से खाओ। पता है आपको क्या होता था स्नेहा जी, मुझे रोटी का स्वाद नहीं पता था। एक बार ही हम बैठे थे तो किसी ने मुझे बताया कि ये रोटी कितनी मीठी होती है ना, तो मैं कहा ये रोटी में मीठा कैसे होता है, मैं कहा ये ऐसा कैसे हो गया।
यूजुअली आजकल क्या होता है, हम भी यही करते हैं जाने अनजाने में, हम खाना खाते हैं और अंदर घुसा देते हैं, बस खाना खाने के लिए खाते हैं। नहीं तो आजकल लैपटॉप है सामने, काम कर रहे हैं, यहाँ से रोटी उठाई, मुंह में कौर डाला और खा लिया। उससे हम ना तो फूड को रिस्पेक्ट देते हैं, ना हम उसके टेक्सचर या स्मेल को समझ पाते हैं, ना हम उसको इंजॉय करते हैं। तो जब तक आप खाने को इंजॉय नहीं करेंगे, तब तक इमोशनल ईटिंग रहेगी, आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को डील। और जहां आपने खाने को, भोजन को बहुत अच्छे से ग्रास करना शुरू किया, उसको खाना शुरू किया, तो इमोशनल ईटिंग अपने आप कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप अपना खाना जो है बहुत अच्छे से खा रहे हैं, जो एक हेल्दी फूड है उसको खा रहे हैं, कुक्ड मील खा रहे हैं या कच्चा खाना खा रहे हैं। उसी तरीके से माइंडफुल ईटिंग तो है ही है, क्योंकि जब तक आप माइंडफुल ईट नहीं करेंगे, टीवी नहीं छोड़ेंगे, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, उसको साइड नहीं रखेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, कम से कम 24 से 30 बार एक कौर को चबाएंगे नहीं, तब तक चीज़ें फ़र्क नहीं आएगा आपकी लाइफ में। और सबसे लास्ट जो है, एक्सरसाइज कीजिए। क्यों एक्सरसाइज किस लिए करने के लिए बोल रही हूँ, या योगा कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइजिंग और योगा जो है वो आपके शरीर को फिट रखता है और आपकी एनर्जी को इस तरीके से स्पेंड करता है कि आपको ईट करने की या फालतू में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी इमोशंस को, एनर्जीज को बैलेंस रखता है। उसी तरीके से सोना भी ज़रूरी है। अगर हम ठीक से नहीं सोते हैं तो क्या होगा, आप देखना, जब इंसोम्निया होता है, हम नहीं सो पाते हैं रात को, हम अगर उठेंगे ना, हमें शुगरी प्रोडक्ट खाने की इच्छा होगी। घर में अगर केक पड़ा होगा ना, हम केक खाना शुरू कर देंगे, कुछ भी मीठा होगा खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम जैसे ही उठते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और हम उस एनर्जी की वजह से हम शुगर के पीछे भागते हैं। तो जब हम ठीक से सोएंगे, काम माइंड से सोएंगे, सो जाएंगे अच्छे से, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान। मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से हम काम रहते हैं, हमारे नर्व्स काम रहते हैं, हमारे अंदर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो काम रहती हैं, बैलेंस्ड रहती हैं, इमोशंस जो हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। तो ध्यान करना बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है। तो ये डील करने के तरीके हैं जो मैंने किए, आप लोगों को कैसे करना है वो आप देखिए, लेकिन ये मैंने किए जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया अभी। शाहरुख जी, ये डील करने के जो आपने इतने सारे मेथड्स बताए हैं, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि आज हमने इस एपिसोड में जो समझा कि इमोशनल ईटिंग क्या होती है, इसको कैसे डील कर सकते हैं, कितने प्रकार की होती है, एक एक जानकारी आज आपने हमें इतनी डिटेल में दी कि हम सोच भी नहीं सकते उसको, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आशा है आपको ये एपिसोड से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिले होंगे दोस्तों। तो शाहरुख जी, आज आपने हमें इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी जो दी, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि इमोशनल ईटिंग से हम डील कैसे कर सकते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और ये क्या होती है, क्रेविंग क्या होती है, जिसके साथ हम हमेशा रहते तो हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। इस जानकारी को आप डिटेल में आज आपने समझा, हो सकता है दोस्तों आज आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझ आए होंगे, जो आपके मन में इमोशनल ईटिंग आते ही उठ रहे होंगे कि ये क्या है, कैसे होती है, किस तरह से होती है। तो शाहरुख जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, तो मैं शाहरुख जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया और इस जानकारी को हमारे साथ साझा किया। तो दोस्तों, आशा है आप इमोशनल ईटिंग नहीं करेंगे, आप जागरूक हो जाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेंगी हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।